ओम शांति। रविंद्रनाथ टैगोर की एक सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है गीतांजलि। उसमें इंग्लिश पोएम नंबर 50 एक गरीब व्यक्ति है, रोज सुबह भीख मांगने जाता है और पहले से ही अपनी झोली में कुछ चावल रख कर जाता है ताकि जब भी भीख मांगे दूसरों को ये लगे कि पहले वाले ने कुछ दिया है इसलिए हमें भी देना है। एक सुबह सुबह जाता है और आश्चर्य, दूर से राजा का स्वर्णिम रथ आ रहा है। इतना खुश हो जाता है कि वैसे तो राजा से मिलना इतना कठिन है, इतना मुश्किल है, और आज राजा स्वयं मेरे पास आ रहा है, क्या मांगू और क्या नहीं। और राजा मना भी नहीं करेगा क्योंकि सुबह का ये समय है। वो सामने जाता है और खड़ा हो जाता है, परंतु आश्चर्य की सीमा तो और बढ़ जाती है जब राजा रथ उसके सामने रोक देता है और राजा स्वयं आता है, घुटनों के बल उसके सामने झुक जाता है और अपनी झोली सामने करता है और कहता है कुछ दे दो। उसे आश्चर्य होता है, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। राजा कहता है राज्य पर संकट आने वाला है और किसी भविष्यवक्ता ने कहा है कि सुबह सुबह मैं जाऊं और किसी के सामने अपनी झोली फैला दूं तो ये संकट टल सकता है। राज्य के लिए, राज्य की खातिर कम से कम मुझे कुछ दे दो। अब वो जो भिखारी था और वो जो गरीब व्यक्ति था उसने हमेशा ही मांगा था, देने का अभ्यास उसे कभी नहीं था। हाथ झोली में गए, थोड़ा सा चावल लिया परंतु फिर छोड़ा, फिर पकड़ा फिर छोड़ा, क्योंकि आज तक किसी को दिया नहीं था, हमेशा ही मांगने का अभ्यास था। मन नहीं करता है कि किसी को दू, परंतु फिर भी दो दाने चावल के निकालता है और उतने राजा की झोली में डाल देता है। राजा खुशी खुशी चला जाता है, उसको लगता है ये क्या हो गया, क्या मिल सकता था और ये तो उल्टा हो गया। फिर तू पूरा दिन भीख मांगता है यहां वहां, पर उस दिन उसे इतनी भीख मिलती है, इतनी भीख मिलती है जो आज तक कभी किसी ने नहीं दी होगी। और रात को जब घर आता है तो पत्नी खुश हो जाती है कि कितना तुमको मिल गया आज। वो कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, दो दाने कम है। परंतु आश्चर्य और बढ़ जाता है जब उसकी पत्नी कहती है ये पूरे अनाज में से दो दाने सोने के हो गए हैं। तब उसे दुख होता है, तब उसे पश्चाताप होता है कि दो ही दाने क्यों दिए, जो दो दाने दिए थे उसकी जगह दो इधर सोने के हो गए, अगर ज्यादा दिया होता तो शायद ज्यादा सोने का हो गया होता। ये कविता गीतांजलि में आती है। व्यक्ति देना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, क्या करना चाहता है, लेना चाहता है, और जब उसे नहीं मिलता तब उसे दुख होता है और बहुत सारी इच्छाएं रखता है और बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है दूसरों से कि दूसरे मुझे ये दे दे, और जब जब दूसरे उसे नहीं देते तब तब वह दुखी होता है। इस ब्राह्मण जीवन में भी हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। और क्या क्या चाहते हैं हम दूसरों से, और जो चाहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देता। स्थूल भी है तो सूक्ष्म भी है, स्थूल से ही दुख होता है, सूक्ष्म से तो और अधिक दुख होता है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, हैव जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी,
जीरो अर्थात शून्य, शून्य अपेक्षाएं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, न मित्र से न संबंधियों से, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जो स्वतः मिल जाए बहुत अच्छा, परंतु हाथ नहीं पसारने हैं किसी के सामने दे दो, भिखारी नहीं बनना है किसी के सामने दे दो। यह सिद्धांत बड़ा सूक्ष्म है परंतु जीवन को सफल कर देगा यदि अंत मन में, अंत चेतना में धारण हो जाए। तो ये जो पॉलिसी है इसमें बहुत सारी बातें आती है, हम इसमें से कुछ बातें लेंगे जो हमें किसी से भी मांगनी नहीं है। सबसे पहली बात केयर, दूसरे हमारा ध्यान रखे, हमारी केयर करे, हमें पूछे अब कैसे हो, कल तबीयत ठीक नहीं थी आज ठीक लग रहा है, कल तुमको बुखार था आज कैसे हो। दूसरे हमारी केयर करे, क्यों करेंगे वो केयर, उनके अपने जीवन के दुख दर्द बहुत है, तुमसे क्या लेना देना। इसके लिए हमें ये इच्छा नहीं रखनी है कि कोई हमारी केयर करे, की तो बहुत अच्छा, नहीं की तो भी अच्छा, क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा करे और जब वो नहीं करता है तब क्या होता है, दुख होता है। शांतिवन में एक भाई था, बीमार पड़ गया, एवर हेल्दी में भर्ती हो गया, अपने एक साथी से कहा थोड़ा खिचड़ी लेके आना, वो साथी भूल गया, शाम को लेके आया, सुबह बोला था ये इंतजार कर रहा है अब आएगा तब आएगा अब आएगा तब आएगा, और वो आया ही नहीं। दूसरा है प्रेज, स्तुति, हमने बहुत अच्छी सेवा की, हमारी इच्छा है कि दूसरा हमको कुछ कहे, हमने बहुत अच्छा भाषण दिया, कोई आकर कहे तुमने बहुत अच्छा बोला, हमने बहुत अच्छा नृत्य किया, डांस किया, कोई कहे कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया, हमने बहुत अच्छी रंगोली निकाली पूरी रात भर जागकर, और कोई आकर सुबह कहते ये भी कोई रंगोली है, बेकार, कहां से सीखी, पहले ठीक से सीखो फिर निकालना, ऐसा कोई कर दे सुबह सुबह तो क्या करेंगे, रात भर पीठ दुख गई निकालते निकालते, और सुबह सुबह आके कुछ बोल दे कोई। मनुष्य के मन को दो चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, दूसरों के बोल और व्यवहार। हमारी इच्छा है कि दूसरे हमारी स्तुति करे, एक्नॉलेज करे, रिकॉग्नाइज करे हमारी स्किल्स, हमारा हुनर, हमारी टैलेंट, हमारी प्रतिभा, हम में जो खूबियां है, गुर है, स्किल्स है। प्रेस की एक्सपेक्टेशन रहती है, कम कर दो या नष्ट कर दो, खत्म तो शायद नहीं होगी पर कम तो की जा सकती है, नहीं चाहिए। भगवान हमारी तारीफ कर रहा है, भगवान कहता है तुम मेरे नैनों के नूर हो, मस्तक मणि हो, दिल तख्त नशीन हो, और क्या चाहिए। भगवान ने हमारी तारीफ कर दी है, कितने समान मुरलियों में आता है, आज सुबह की मुरली तुम होली हंस हो, तुम होली मनाने वाले हो, तुम होली बनाने वाले हो, तुम हैप्पी मूड, होली मूड और लाइट मूड वाले हो, तुम्हारा मूड ऑफ नहीं हो सकता, तुम रंग में रंगे हुए हो, दूसरों को प्रभु प्रेम के रंग में रंगाने वाले हो, तुम्हारी बुद्धि दिव्य बुद्धि ही पिचकारी है जिससे तुम आत्माओं को रंग लगाते हो पवित्रता का, और जब तक अपवित्रता का संपूर्ण को समाप्त नहीं किया है तब तक पवित्रता का रंग भी नहीं लगा सकेंगे किसी और को। ये जो देख रहे हो तुम्हारा ही यादगार है, जैसे वो गांधी अपना फिल्म देखता है तो उसको लगता है ये उसे पता नहीं, परंतु तुम जानकर तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा यादगार है, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पूजा हो रही है, जैसे वो हे अर्जुन केवल एक के लिए नहीं सबके लिए कहा हुआ है।
सुबह मुरली थी नहीं, जो याद में रहेंगे उनका यादगार बनेगा। संसार का वायुमंडल बहुत खराब है, साधन ऐसे है कि 5 साल का बच्चा भी विकारी बन जाता है। हमें किसी की एप्रिसिएशन, स्तुति, प्रशंसा, स्तवन नहीं चाहिए। उसके बाद में अटेंशन, तीसरा कोई अटेंशन दे हमारे तरफ। एक बताया केयर, एक है अटेंशन अर्थात ध्यान। हमारी प्रगति की तरफ ध्यान दे और हमें मदद करे और आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों वो अटेंशन देगा तुम्हारी ओर? उसको अपने कितने काम है? बच्चे दुखी होते हैं, माँ बाप अटेंशन नहीं देते हैं। क्यों? हमें किसी का अटेंशन नहीं था चाहिए, भगवान का अटेंशन हमारे ऊपर है। भक्ति मार्ग में कहावत है, यदि चिड़िया चीटी भी घुंघरू पहन ले तो उसकी आवाज भी भगवान तक जाती है। बाइबल में लिखा, ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर, ही दैट प्लांटेड द आई शैल ही नॉट सी। जिसने आंख दी है क्या वो नहीं देखेगा? जिसने कान दिया क्या वो नहीं सुनेगा? वो सब कुछ सुनता है। पग बिनु चली सुनई बिनु काना, बिना पैर के चलता है और बिना कान के वो सुनता है। मैं निराकार साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। तो क्या उसे ये नहीं पता तुम क्या हो, तुम में क्या है, क्या खूबी है, क्या योग्यताएं हैं, क्या कमियां हैं? हमें किसी का भी अटेंशन नहीं चाहिए। अगला, रिस्पेक्ट। कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमारा सम्मान करे। क्यों सम्मान करेगा तुम्हारा? तो क्या हमारा, हमारी खुशी उनके सम्मान पर निर्भर है? स्वामी विवेकानंद के जीवन में दिखाया है, कहीं कहीं वो जा रहे हैं, लोग इतना भव्य समारोह कर रहे, सम्मान कर रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, और कहीं कहीं जा रहे हैं तो लोग पत्थर मार रहे, चंडाल। काम धाम कुछ करते नहीं और भीख मांगते फिरते हो जवान होकर भी? क्या यही धर्म है? ऐसे कहने वाले भी है तो सम्मान करने वाले भी है। ऐसा त्याग और ऐसी तपस्या दोनों है। कभी कभी महलों में सो रहे, कभी कभी फुटपाथ पर सो रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं कहीं तो कहीं, इतने फूल इतने फूल इतने फूल, जहां चल रहे हैं वहां फूल बिछा रहे हैं। दोनों चीजें, और पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट। जो आज तारीफ कर रहे हैं शायद कल निंदा भी कर सकते हैं, और जो आज निंदा कर रहे हैं शायद वही सबसे बड़े मित्र भी बन जाएंगे। संसार का कोई भरोसा नहीं है। हमें किसी का भी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। उसके बाद है थिंग, वस्तु। किसी के पास कोई वस्तु एक्स्ट्रा है, हम सोचते हैं हमें दे दे, क्योंकि इसके पास तो दो है, क्यों देगा तुम्हें, क्यों देगा? हम क्यों सोचे कि हमें कुछ दे? किसी की थाली में एक सब्जी ज्यादा है, हमारे बाजू में आके बैठ जाए, हम सोचते हैं हमें भी पूछे कि तुम्हें चाहिए क्या, क्यों चाहिए, क्यों देगा तुमको? वस्तु एक क्यों देगा व्यक्ति? हमारे पास एक भी नहीं है, किसी के पास दो दो है। कोई भी चीज, हमें किसी भी वस्तु की मांग नहीं करनी है। योर फादर नोएथ व्हाट ई हैव नीड ऑफ। जीसस अपने शिष्यों से कहता है, अपने डिसाइपल से, कि तुम्हारे पिता को पता है तुम्हें क्या चाहिए। ओ लॉर्ड व्हाट वी विल ईट एंड व्हाट वी विल ड्रिंक,
एंड व्हाट थिंग्स वी हैव। वो आकर कहता है अपने शिष्यों से, जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ। वो कहता है पर हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या सुना है? वो कहता है जाकर केवल खड़े हो जाओ, इट शैल बी गिवन अन टू यू एट दैट आवर। उस समय वो दिया जाएगा तुम्हें जो बोलना है। हमें किसी से कोई वस्तु नहीं चाहिए। उसके बाद में पावर, शक्ति। हमारे लिए योग करो, हमें सकाश दे दो, हम बहुत दुखी है, हम बहुत बीमार है, थोड़ी सी सकाश उधर से भेज देना, मधुबन से। मधुबन में हमने खोल रखी है सकाश एजेंसी। कितनी सकाश चाहिए बोलो? जमीन चाहिए सेंटर के लिए, क्या चाहिए? प्लॉट चाहिए, जमीन चाहिए, क्या चाहिए? क्यों मांगनी है किसी से सकाश? हमारे यहां बारिश नहीं है, थोड़ी सी सकाश भेजो वहां से। क्यों भेजेंगे? बाबा हम कमजोर है, बाबा कहते हैं मैंने शक्तियां तुम्हारे जन्मते ही सारी शक्तियों का वरदान तुम्हें दे दिया। अपनी पर्स में चेक करो, सारी उसमें रखी हुई है शक्तियां। पर्स है ना सबके पास? छोटी कन्याओं के पास पर्स है क्या? है? उसमें शक्तियां चेक कर लेना एक बार, चेन खोलकर सारी शक्तियां उसमें है। मांगने की जरूरत नहीं है किसी से, ठीक है? जनते ही वरदान दिया है मास्टर सर्वशक्तिवान भव। उसके बाद में नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, दूसरे हमें समझे। ये लोग मुझे समझते ही नहीं मैं क्या हूं, जब इनको पता चल जाएगा ना फिर देखना, बहुत पश्चाताप करेंगे मैं कितनी महान हूं इनको पता ही नहीं, मेरे विचार कितने महान हैं, कैसे ये लोग है पता नहीं। मुझे कोई समझे मेरी भावनाओं को, मेरे अंदर फीलिंग्स जो है ना उनको, ये लोग क्यों नहीं समझ पाते? मुझे क्या चाहिए, डीप डिजायर क्या है मेरी, कोई नहीं समझ पाता मुझे। सब बड़े स्वार्थी है, घमंडी है। जब इनको समझेगा ना मेरी वैल्यू, तो शायद मैं नहीं रहूंगी दुनिया में। एक बहन थी विदेश में, मेडिकल साइंस की कहानी। उसको लगता था उसको बहुत सारी बीमारियां, सब डॉक्टरों के पास जाती थी, इधर उधर उधर, सब डॉक्टर कहते थे तुम नॉर्मल हो, तुम नॉर्मल हो, कुछ नहीं है, तुम्हारे सारे टेस्ट नॉर्मल है। पर उसको कभी संतुष्टता नहीं होती थी, वो कहती थी मैं बीमार हूं। इंटरनेट पर सब पढ़ती थी अपेंडिक्स का दर्द इधर होता है, फिर इधर दर्द करके जाती थी, फिर सारी टेस्ट होती थी सब नॉर्मल, फिर दुखी होती थी। लोग को कितनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बीमारी होती है और हमको एक भी बीमारी नहीं। लोग कितना अच्छे से एडमिट होते हैं, कितना लोग मिलने आते फूल के गुलदस्ते लेकर, और हमसे कोई मिलने नहीं आता। क्या हम क्या कम बीमार है? क्या उनकी बीमारी बड़ी है, हमारी कुछ नहीं? हम भी बीमार है। और एक दिन सब डॉक्टर उसे बड़े परेशान हो जाते हैं, और एक दिन वास्तव में उसकी किसी और कारण से मृत्यु हो जाती है। अपनी कब्र में वो लिखती है, लिखवाती है मरने से पहले डॉक्टरों के नाम, देखा मैंने बोला था ना। इसको कहा जाता है सेल्फ विक्टिमाइजेशन। पावरफुल शब्द है, स्वयं स्वयं को दुखी करना। एक होता है दूसरों को तीर चलाना, एक है उल्टा तीर स्वयं को चलाना और खुद ही दुखी होना। मुझे कोई नहीं समझता यहां पर, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इधर। उसके बाद में नेक्स्ट सिंपथी, सहानुभूति। कोई दे दो मेरे साथ कोई सहानुभूति तो करो, देखो मेरा कितना खराब हुआ मेरे साथ। कोई आकर दो शब्द तो बोले कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। सहानुभूति की भीख, हमें किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है।
हम स्वयं शिव शक्तियां हैं। उसके बाद हेल्प, दूसरे हमारी मदद करे। बाबा के महावाक्य है, एक तरफ हजार भुजा वाला बाप है और दूसरी तरफ दो भुजा वाले मनुष्य। जब हजार भुजा वाला बाप मदद कर रहा है तो दो भुजा वाले के पास जाते हो, क्यों? कारण बताओ। ऐसा किसी मुरली में बाबा ने पूछा है। जबकि मैं बैठा हूं, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं, फिर भी तुम दो भुजा वालों के पास जाते हो, क्यों? टेल मी द रीजन। मदद, हमें किसी से भी अगर कोई कर दे मदद तो बहुत अच्छा, पर हमें नहीं चाहिए, हम मांगेंगे नहीं। मधुबन में एक भाई था, एक समय मधुबन में ऐसा था, एक ही व्यक्ति को बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती थी। अभी एक ही डिपार्टमेंट में छह छह लोग हैं, पांच पांच लोग हैं, काम डिवाइड हो गया। तब तब एक एक डिपार्टमेंट में एक ही व्यक्ति मल्टीटास्किंग। तब किसी ने कहा, दादी ने कहा शायद उस भाई को, कि एक सेवाधारी हम तुम्हें दे देंगे मदद के लिए, एक हैंड। तो वो कहता है, रहने दो दादी, भाग्य बढ़ जाएगा। भाग्य बढ़ जाएगा, कोई हमारी आकर मदद कर दे, जरूरत नहीं है। उसके बाद में लव, दूसरे मुझे प्रेम तो करे थोड़ा सा। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, कोई कहे तो कि हमें तुमसे बहुत प्रेम है। कुमारिया है कन्हैया की, मुरलियों में आता है। अच्छा है जो कन्हैया को अपना बना लिया, नहीं तो किसी और में फंस जाती। कोई प्रेम कर दे, किसी के प्रेम में फंस जाना। उसके बाद है सुख और शांति। कोई मुझे सुख दे दे थोड़ा सा, और कोई मुझे शांति दे दे। मन अशांत है, मन में सुख नहीं है बिल्कुल। क्या कोई मनुष्य मुझे सुख दे सकता है? क्या कोई पुरुष मुझे शांति दे सकता है? दे सकता है? कौन कौन समझता है दे सकता है? कोई एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर आएगा शांति लेकर और सुख लेकर और प्रेम लेकर? किसी को इंतजार तो नहीं है? खुशी इंतजार तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। एक शिकारी जंगल में शिकार करते करते भटक गया। 3 दिन तक जंगल में कोई नहीं दिखाई दिया, ना पुरुष, ना कोई परिंदा, ना कोई मनुष्य, कुछ नहीं। अकेला वन में भटकता रहा और मार्ग भूल गया है। यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, परेशान है, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई तो मिले। और फिर अचानक एक दूसरा व्यक्ति किसी झाड़ के पास बैठा हुआ दिखता है, और वो जो व्यक्ति है वो भी कई दिनों से भटक रहा है और कोई उसे भी नहीं मिल रहा है। वो भी भटका हुआ है, ये भी भटका हुआ है, और दोनों मिलते और बहुत खुश होते हैं। पर अब दोनों ही भटके हुए हैं। एक भिखारी है, पहले अकेला भीख मांगता था, अभी दूसरा भिखारी मिल गया, अब दोनों साथ साथ भीख मांगते हैं। संसार इसे विवाह कहता है। ना वो दूसरे को भर सकता है, ना वो उसको भर सकता है। वो भी खाली है और ये भी खाली है, दोनों ही कटोरा लेकर अब मांग रहे हैं। प्रेम, हमें किसी से भी प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम का सागर मिल चुका है, प्रेम का सागर प्रेम लुटा रहा है, और जो प्रेम का सागर प्रेम दे रहा है उसके तुलना में संसार के सारे प्रेम तुच्छ है। डिवाइन लव इज सुप्रीम अमंग ऑल अदर लव्स। कितने हो गए? 11।
उसके बाद हमें किसी भी आत्मा से किसी भी तरह का, कौन सी बात आप बताओ? एक और चीज है लास्ट, और अटैचमेंट नहीं, क्या नहीं चाहिए किसी से? क्या नहीं चाहिए किसी से? हाँ, क्या? एक बात बताओ, धन वस्तुओं में आ जाएगा, वस्तु हमने बोल दिया है, और कौन सी चीज नहीं चाहिए? सोचो अभी अभी। क्या? पालना, सस्टेनेंस, बड़े हमारी पालना करें, हम अभी अभी ज्ञान में आए हैं, हम छोटे हैं, हम हमारी पालना करें, हमारी दीदी हमारी पालना थोड़ी कम करती है, दीदी अगर पालना कम करती है तो तुम उसकी पालना करो, हमें किसी से भी पालना की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं पालनहार है और वो कहता है तुम मास्टर पालनहार हो, तुम्हें सारे विश्व की पालना करनी है, ये अपेक्षा मत रखो, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि दूसरे हमारी पालना करें। लिखना, बैठ जाओ बैठ जाओ, केवल लिखने से कुछ नहीं होगा, एक चीज आवश्यकता है, वो है चिंतन। जो सामान लिया उसके ऊपर सोचना, चिंतन करना, जैसे अभी जितनी बातें बताई वो एक एक बात एक एक सामान है। चलो रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, मैं वो आत्मा हूं जिसे किसी के केयर की आवश्यकता नहीं है, मैं सबकी केयर करूंगी, मुझे किसी की केयर नहीं चाहिए, क्यों मैं सोचूं कि मुझे दूसरे मेरी केयर करे, क्यों मैं सोचूं और क्यों अपने आप को दुखी करूं, क्योंकि इन 12 बातों में से कोई भी एक बात मुझे जब नहीं मिलेगी दूसरी आत्मा से तो मैं दुखी हो जाऊंगी, मैं क्यों दुखी हूं, स्वयं स्वयं को दुखी करना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, ये मार्ग है सिक सिक छुक छुक मरमर का, या कदम कदम पर सीखना है, झुकना है और मरना है, ये मार्ग ही ऐसा है अध्यात्म का, अंगारों पर चलने का मार्ग है। पहले इसको रिवाइज करते फिर उस पे आएंगे। दूसरा, मुझे किसी की भी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, यदि मैंने कोई सेवा की तो वो मेरे अकाउंट में अपने आप ऊपर जमा हो गई, मैं क्यों चाहूं कि कोई दीदी कोई भाई और कोई वरिष्ठ मेरी आकर स्तुति करे कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, तुमने ये अच्छा पुण्य का काम किया, तुमने कितना अच्छी सेवा की, कितनों का इससे कल्याण हो गया, वो चाहे कहे करे या ना करे मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, करे तो अच्छा नहीं करे तो भी ठीक, जो दे उसका भला जो ना दे उसका भी भला, बहुत ज्यादा भला, एक्स्ट्रा भला उसका, ये दूसरा। तीसरा, अटेंशन, दूसरा है मेरी तरफ अटेंशन नहीं दे, मुझे सबकी तरफ अटेंशन देना है, स्वयं अटेंशन में रहना है और दूसरों को अटेंशन में लाना है, तस्मात जागृत योगी ही, ये तीसरी बात। चौथी, कोई मेरा सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, मुझे किसी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, हाँ वो करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो भी अच्छा है, ये भी हो सकता है कि हमने सोचा था ये मेरा सम्मान करेंगे परंतु उल्टा ही हो गया, तो खुश होंगे कि दुखी होंगे, दुखी हो जाएंगे ना, क्यों हम अपने दुख का कारण स्वयं बने, परंतु मन का स्वभाव है कि वो चाहता है रिस्पेक्ट, उसको चाहिए, बड़ी गहरी पुकार है उसकी रिस्पेक्ट की। अगला, अगला वस्तुए, अगला पावर, शक्ति हमें कोई दूसरा दे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम शक्तिशाली बन जाए इतना कि किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, और शक्तिशाली बनने की विधि है शक्तिशाली अमृत वेला,
जैसे मुंबई जैसे शहरों में, बड़े शहरों में सुबह पानी आता है केवल 4 और 5 बजे के बीच। अगर कोई गृहिणी उस समय सो जाती है तो उसको क्या करना पड़ता है? दिन भर बकेट लेकर आस पड़ोस से पानी लेना पड़ता है। अमृत वेला ही समय है जब परमात्मा वरदान बह रहे हैं, वहां हमने नहीं लिया तो बकेट लेकर जाना पड़ेगा। केयर दे दो, अटेंशन दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, ये जो 12 बातें बताई वो सब दे दो एक एक करके, तो कहीं खुश, क्योंकि अंदर से खालीपन है। अगला, अंडरस्टैंडिंग, दूसरे मुझे समझे, मैं कौन हूं, मेरी योग्यताओं को समझे, मैं कितनी महान हूं। और ये लोग ऐसे हैं कि मुझे समझते नहीं, एक दिन पश्चाताप करेंगे, देख लेना मैंने कहा था ना मैं बीमार हूं। आप समझ में आया ना कि मैं ढोंग नहीं कर रही थी, मैं नाटक नहीं कर रही थी, सही में मुझे नहीं समझ पा रहे थे तुम लोग। अगला, सहानुभूति, दूसरे मेरी तरफ सहानुभूति की भावना से देखे। हम खुद ही कहे कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, दूसरे का अच्छा ये नहीं हम देंगे तुझे, तो अच्छा लगता है फिर, सहानुभूति। अगला, हेल्प, दूसरे मदद करे, स्वतः मदद करे तो बहुत अच्छा, पर हम मांगेंगे नहीं किसी से मदद, कर दे तो बहुत अच्छा, हम क्यों मांगे। अगला, प्रेम, प्रेम के लिए तो आत्मा सबसे ज्यादा प्यासी है, सबसे ज्यादा, सबसे गहरी प्यास आत्मा की प्रेम की है। और यदि तुमने उसे परमात्मा प्रेम नहीं दिया तो मनुष्य के प्रेम के पीछे पागल, दीवानी और विक्षिप्त हो जाती है। अगला, सुख और शांति दे दो थोड़ी सी। अगला, पालना, दूसरे हमारी पालना करे, बड़े हमारी पालना करे, इस एक्सपेक्टेशन से भी स्वयं को मुक्त करना है। तो ऐसी ये कुछ बातें थी जिससे हमें स्वयं को मुक्त रखना है, इन बातों से मुक्त रखना, अर्थात दुख से मुक्त रखना। तो इसके ऊपर और चिंतन करना, और जो बातें पूछी, सेवा क्या है, ये क्या है, समान का अभ्यास करें, सबकी एक ही विधि है, गहराई से चिंतन करना।